अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सवारी रहमान। आज मेरे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट हैं मोहम्मद अजहर सदीक साहब, सीनियर एडवोकेट हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। सर आप वक्फे वक्फे से मेरे साथ जो है व्लॉग करते हैं, उस पर आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से काफी बात की, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से काफी बात की, तो मुझे बताइएगा कि हुकूमत ने जो है वो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन से इत्मीनान उठ चुका है और इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि इस्तीफा मिल जाएगा हुकूमत को? देखिये, बुनियादी तौर पर हुकूमत को जो मुतालबा है वो वो सियासी मुतालबा, जैसे देखे ना अपोजिशन वजीर आजम से इस्तीफा मांगती है कि आप मुस्ताफी हो जाए, अब तो गुजाइश नहीं है। आइन में तो तरीके अदम एतमाद के अलावा वजीर आजम को घर भेजने का तरीका नहीं है, या आइन के आर्टिकल 58 में सदर पाकिस्तान असेंबलियां डिसॉल्व कर सकते हैं, या उसके अलावा तो और तरीका कार कोई नहीं है। अगर सदर को इम्पीच करना है तो सदर के खिलाफ आर्टिकल 48-47 के अंदर प्रोसीजर प्रोवाइड किया हुआ है। तो वैसे तो इलेक्शन कमीशन का 5 साल के, आपको पता है टेन्योर होता है इनका, 5 साल से पहले तो माशाल्लाह तनख्वाहें काफी हैं, एम्पावरमेंट्स काफी हैं इनके, वो भी कभी कौम के सामने आने चाहिए। ये जो इस्तीफा मांगा है ये सियासी बयान है उनका, और आइन के आर्टिकल 215 के तहत इस्तीफा देना हो तो इलेक्शन कमीशन या मेम्बरान खुद इस्तीफा देंगे, यानी आपके कह देने से। जब तक इस तरह वजीर आजम खुद इस्तीफा ना दे, इस तरह इलेक्शन कमीशन के मेम्बर जब तक खुद इस्तीफा ना दे, उन्हें निकाला नहीं जा सकता। ये तो एक नॉर्मल सी पोजीशन है आपके सामने, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, हाफ हाफ टू, ये उन्होंने अपना एक तरीका है, वारदात रखा है या वतीरा बनाया हुआ है चीजों को सेटल करने के लिए, स्कोर करने के लिए, जो चीज उनको अच्छी लगती है उसके मुताबिक वो बात करते हैं। हालांकि आईनी और कानूनी बात तो है नहीं है। अपना अंदाजा लगाए ना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में क्या क्या बातें हुई यहाँ पर, हम सब ने देख लिया। फिर नैब के बारे में क्या क्या बातें होती रही, नैब की अदालतों के बारे में क्या क्या बातें होती रही यहाँ पर सामने, हमारी इदारों के हवाले से बातें होती रही, हमने वो सारा रिकॉर्ड आप और हम सब ने देख लिया। तो शायद का कहना पासी वो खालिद दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, वो अपने तौर पर लगे हुए हैं कि ये गलत है या सही है। अब उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन तो अगर देखा जाए तो वो तो ऐसा कोई नहीं है, मुतालबा इस्तीफे का किया जा सकता है, वो एनीबॉडी कैन और मुतालबा करते रहते हैं, वो एक अलग बात है कि आईनी और कानूनी तौर पर। एक मैं चीज आपके सामने क्लियर कर दूं, अगर इस्तीफा खुद नहीं देते चीफ इलेक्शन कमिश्नर और या इलेक्शन कमीशन जो मेंबर्स हैं, तो उनको निकालने का तरीकाकार एक ही है, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। आइन के आर्टिकल 209 के तहत सदर को रेफरेंस भेजना पड़ेगा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपने तई तो इस मामले को ले नहीं सकती है क्योंकि उनके पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है। कोई सदर को दरखास्त दे दे कि इनके हवाले से, और वो मैं वजह बयान कर चुका था कि उनकी जो प्रेस रिलीज है, मैं समझता हूँ वो प्रेस रिलीज जो है ना वो खुद मिसकंडक्ट के, बजाहिर मिसकंडक्ट के जिम्मे में आती है कि उन्होंने अपना माइंड सारा दे दिया था। हालांकि वो दो टोपियां पहनी हुई, उन्होंने दो किरदार हैं इलेक्शन कमीशन के, एक इंतजामी किरदार है एक और एक अदालती किरदार है। वो अपने इंतजामी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं और अदालत भी, और सेनेट के इलेक्शन में तो उन्होंने साफ ही कह दिया कि हमने साफ और शफाफ इलेक्शन करा दिए, वो तो बैठ के अभी तय होना था। वो आपके पास सेक्शन 9 की पिटीशन मौजूद थी, उस पर आपने एडजुडिकेट करना था, आपको प्रेस देने की तो जरूरत नहीं थी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे रेफरेंस 1/2020 पे आज तक अमल दरामद नहीं किया उन्होंने। सर आज ओपोजिशन की बड़ी बैठक लगने वाली है जिसमें लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के हवाले से जो है वो ये कोई लाया बनता है करेंगे, आप कहाँ देख रहे हैं कि ये असेंबलियों से पार्लियामेंट से इस्तीफा देंगे या फिर लॉन्ग मार्च करेंगे? देखिए, ये इस्तीफे वाला तो ड्रामा है ना, इस्तीफे वाला ड्रामा है। बुनियादी तौर पर अगर इस्तीफे में इतने इंटरेस्टेड हैं तो इस्तीफे आगे जमा कराए ना। आपको याद होगा इनके दो मेंबरान ने स्पीकर को इस्तीफे भिजवा दिए थे, बाद में वो रिकॉर्ड की बातें हैं, इस्तीफे वो देना चाहते हैं। ये क्या ये ड्रामा क्या करेंगे? जैसे लास्ट टाइम आपको पता है इनके अपना गालबन दिसंबर में उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे और उनके सियासी जमातों के पास पड़े हुए उनके इस्तीफे, इस्तीफे तो आप लोगों के पास ऑलरेडी पड़े हुए आपके मेंबरान में, उसको आपने क्या डालना है, अचार डालना है या बेवकूफ बनाना है कौम को? अगर इस्तीफे देने हैं तो जाए जाकर असेंबलियों में इस्तीफे दें, सेनेट के अभी इलेक्शन हुए हैं, जितने मेंबर्स बने हैं जाए जाकर सारे इस्तीफे देना, या नहीं आप तो उसी असेंबलियों से मुंतखब हुए हैं जिसके बारे में आप जाली कहते हैं, जिसको कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक नहीं बनी। सेनेट के इलेक्शन आपने लड़ लिए, आपने जिमनी इलेक्शन लड़ लिए,
तो आपने जो 2018 के इलेक्शन है उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन तो आपने मान ली है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइए कि मौलाना साहब एक बार फिर से कहते हैं कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का फायदा नहीं है, तो आपको लगता है कि दो पार्टी मौलाना साहब के साथ खड़ी होगी इस्तीफों के मामले में? अरे मैं फिर अर्ज करूं जी, वो इस्तीफे इस्तीफे खेलने वाली बातें हैं, ड्रामा लगाया हुआ है लोगों को बेवकूफ बनाने के कॉन्टेक्स्ट में। और इस्तीफे अगर देखें, एक बात याद रखिएगा, अगर इस्तीफे असेंबली में दे दिए मंजूर हो गए तो वहां पर जिमनी इलेक्शन होने हैं, ना कोई असेंबली डिजॉल्व होनी है, ना इस मुल्क में आईनी या कानूनी बहरान पैदा होना है। वजह क्या है? सिंपल मेजोरिटी ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ चुकी है। अब वो सारे इस्तीफे देते हैं या नहीं देते, सेनेट में भी इनके पास सिंपल मेजोरिटी आ गई है, जो लोग इस्तीफे देंगे वहां इलेक्शन हो जाएंगे और ये रिकॉर्ड की चीजें। सर, कल जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, अंडे मारे गए, स्याही फेंकी गई, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? किसी भी सियासी रहनुमा के साथ ये हो तो बेसिकली ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नून लीग और पीटीआई का जो मामला चल रहा है, देखिए बुनियादी तौर पर बात समझिएगा कि ये इब्तदा तो आपको पता है पीएमएलएन के दौर में हुई है, मॉडल टाउन के सानिया से देख लें, उसके बाद उन्होंने ये दिया रखा। लास्ट टाइम 3 मार्च वाले दिन जब सॉरी अपना जब कॉन्फिडेंस एतमाद जब लिया था वजीर आजम ने, तो उस वक्त इन्होंने बाइकॉट किया था, तो शायद खाकान अब्बासी वगैरह वहां क्या करने गए थे, ये खुद जान के गए थे ऐसे हालात और वाकया पैदा करने के लिए। और इन्होंने पूरे एजेंडे के साथ में, हम अपने वीलॉग में बात कर चुके हैं और ये कह भी चुके हैं कि उन्होंने ये सारी बातें खुद प्लानिंग के साथ कही थी, और ये तरीकाकार वारदात यही तय किया था। उसके बाद उन्होंने मरियम नवाज साहब ने खुद कह दिया था, और कल वाला जो एपिसोड हुआ है, जो कि मैं मरियम नवाज की हेयरिंग के लिए हेयरिंग वाले केस में वो अदालत में मौजूद था, जो हम जिसमें नोटिस हुआ है जमानत वापसी लेने के हवाले से, तो बाहर जो वाकया था ये सुबह सबको पता था, साफियों को पता था कि गंदे अंडे लेकर आए हुए हैं, और ये अंडे लेके आए हुए हैं और स्याही लेके आए हुए हैं, उन्होंने ये काम करना है, तो ये उनके बड़े लीडरों के सबके जेहन में था, उन सबको पता था। अगर आज भी इनका फोरेंसिक रिकॉर्ड मोबाइलों का करवा लिया जाए तो आपको सब समझ आ जाएगी, इनके व्हाट्सएप ग्रुपों में पूरी प्लानिंग इनकी समझ आ जाएगी, किसने बैठकर ये बनाई और किस तरह ये अंदर आए, और ये शर्मिंदगी का बायस है। अभी तक पीएमएलएन के चुके कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने, उन्होंने अपने नाम इमरान को सस्पेंड किया, ना उनके खिलाफ एक्शन लिया, अगर कोई एक्शन ले दे तो ये सब तमाम अदम बर्दाश्त की सियासत पैदा होनी चाहिए, जो हमारे मुल्क में पैदा नहीं हो रही। अरे सर, हमजा शहबाज को आप देख रहे हैं आगे आते हुए, क्योंकि मरियम नवाज की गेट तो नए फिर से घेरा तंग करने वाली है। देखिए मरियम नवाज साहिबा कभी भी नहीं चाहेंगी कि शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज शरीफ जो है ना सियासत के अंदर रहें, वो समझती हैं कि काम ये उन्हीं की मिरास है, उनकी है या वालिद की है, इसीलिए कल जब पूछा गया तो उनसे लफ्ज ना 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 कारण ये रिकॉर्ड पे चीजें निकली, और उन्होंने कह दिया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये हैं, अगर मैं जेल में चली जाती हूँ तो वो तहरीक को चलाएंगी, तो ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें आपके सामने मौजूद आ गई हैं। ये दूसरा याद रखिएगा, ये जो है ना छोटे मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह, ये आपस में मामला इस तरह ये लेकर चलते रहेंगे, ये आवाम को बिल्कुल सच नहीं बताएंगे, अंदर से लूट मार इन सब ने की हुई है, एक दूसरों को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं, जहाँ ये शो करते हैं कि लड़ाई है, कमरे के अंदर बैठ कर ये सारे एक होते हैं, मेरी ये जाती राय और मैं इस राय पे कायम भी हूँ। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अजीज सिद्दीक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अहम मालूमात से मैं आगाह किया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करूंगी। अल्लाह हाफिज़। ओके सारे।